अक्सर तुसी फिल्मां च वेख्या होवेगा कि कुछ लोग अपनी गरीबी नूं दूर करन वास्ते गलत रस्ते पै जांदे ने ते अजिहियां वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने जिन्हां नूं असल जिंदगी दीआं वारदातां तों उपर दीआं वारदातां कहा जा सकदा है। पर कई बार यह फिल्मी दुनिया आम लोकां ते अजिहा असर पा दिंदी है जिस नाल आदमी अजिहे काम कर बैठदा जिस दी किसे नूं उम्मीद नहीं हुंदी। पहलां देखो फिल्मी दुनिया दे असर कारण घड़ी घटना दा अंजाम। यह नोटना दे वंडल ते सोने दीआं इट्टां जो इस समय पुलिस दे कब्जे विच ने अते इन्हां दे नाल यह चार नौजवान जो इस करोड़ां दी लुट नाल जुड़े हुए ने। मामला यह सी कि यह सारे नौजवान अपना जीवन पालन वास्ते छोटे छोटे काम करदे सन पर इन्हां दा सुपना सी कि वह ऐश प्रस्ती दी जिंदगी जीण। जिस सुपने नूं पूरा करन वास्ते वह दिहाड़ीदार तो चोर बनण लई मजबूर हो गए अते पहली चोरी भी कीती सुपर चोरी। असल च अमृतसर दे राणी बाग इलाके च इक अजिहा अमीर सुधरा भंडारी नाम दी औरत दे नां घर ते इक चरणजीत कौर नां दी औरत पिछले 20 साल तो रहिंदी सी अते उसदा इक नज़दीकी भतीजा अनमोल अक्सर अपनी बुआ चरणजीत कौर नूं मिलण वास्ते आउंदा सी अते कुछ समय बाद अनमोल नूं पता लग्गिया कि इस घर विच पैसे ने तां उसने अपनी सोच वांग सोच रखण वाले चार नौजवानों नूं इकट्ठा कीता अते जदों सुधा भंडारी विदेश घूमण गई सी तां उन्हां ने उसदे घर च चोरी दी वारदात नूं अंजाम दिता जिस च उसदे घरों 1 करोड़ नकदी 5 सोने दीआं इट्टां ते लखां दे सोने दे गहने चोरी किते। किसे नूं शक ना होवे इस लई ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 28 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਏ। ਪੂਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ मेजर चोरी हुई सी घर दे विच जिहड़े ओनर्स हैगे है वह किते बाहर गए हुए सीगे ते काफ़ी ऑलमोस्ट 1 करोड़ तो उपर दा इहदे च अमाउंट जिहड़ी है वह स्टोलन प्रॉपर्टी इहदे च रिपोर्ट हुई है ते एक CIA दी टीम ने काफ़ी इन्हां ने अच्छा काम करदे हुए उहदे चों 4 जिहड़े मेन एक्यूज्ड है वह अरैसट हो चुके हैं। कुछ होर आइडेंटिफाइड है तो फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन चल रही है सानू आस है कि बाकियों भी जल्दी फड़िया जाएगा। हुण तक दी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है या जो हुण तक एक्शन होया हैगा उहदे च अनमोल उर्फ चांद अनिकेत उर्फ भोलू हीरा सिंह उर्फ मोटा ते हरविंदर सिंह उर्फ हीरा ये 4 लोग फड़े गए हैं ते टोटल 28 लाख रुपए की कैश रिकवरी हो चुकी हैगी है। इस तों अलावा गोल्ड दियां 2 ब्रिक्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 किलो दी 1 ब्रिक हैगी है। सो 2 ब्रिक्स रिकवर हुई हैगियां ते इस तों अलावा भी कुछ ज्वेलरी वगैरह जिहड़ी रिकवर हो चुकी है। जिहड़ा गोल्ड हुण तक रिकवर हैगा इहदी ऑलमोस्ट 76 लाख दे करीब वैल्यू हैगी है ते टोटल 1 करोड़ 4 लाख दी टोटल रिकवरी सो फार वी हैव डन। बाकी फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन एंड वी आर होपफुल कि बाकियों नूं भी फड़ना। हुण सवाल यह उठता है कि उस औरत कोल इन्ना सोना ते पैसा कित्थों आया जिसका जवाब दिंदिया पुलिस ने कहा कि इसका जवाब परिवार नूं अदालत च देना पवेगा। पुलिस का काम चोरी की वारदात नूं हल करना सी बाकी का काम अदालत का है। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।